वनडे वर्ल्ड कप 2023 के पहले मैच में न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को 9 विकेटों से दी मात। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और इंग्लैंड को 282 के स्कोर पर रोक दिया। लक्ष्य का पीछा करने उतरे कीवी बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए मात्र 36.2 ओवरों में लक्ष्य को हासिल कर लिया। न्यूजीलैंड के युवा बल्लेबाज रचिन रविंद्र ने बल्लेबाजी में कमाल का प्रदर्शन करते हुए कीवी टीम के लिए वनडे वर्ल्ड कप के इतिहास का सबसे तेज शतक जड़ दिया और इसी प्रदर्शन के दम पर उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आपको बता दें, रचिन ने 123 रनों की पारी खेली। न्यूजीलैंड के बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज डेविन कॉनवे ने इंग्लैंड के खिलाफ वनडे वर्ल्ड कप के पहले मैच में धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए 121 गेंदों में 152 रन की पारी खेली। डेविन कॉनवे ने अपनी पारी के दौरान 19 चौके और 3 छक्के जड़े। वनडे वर्ल्ड कप मैच पाकिस्तान और नीदरलैंड के बीच मुकाबला खेला जाएगा। ये मुकाबला हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में होगा। दोनों ही टीमें जीत के साथ वनडे वर्ल्ड कप के अभियान की शुरुआत करना चाहेंगी। बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी पर होंगी सभी की नजरें। एशियन गेम्स 2023 में आज भारत और बांग्लादेश के बीच सेमीफाइनल मुकाबले में भिड़ंत होगी। ऋतुराज की कप्तानी में भारतीय टीम ने क्वार्टर फाइनल में नेपाल के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया था। बांग्लादेश को हराकर फाइनल में जगह पक्की करने पर होगी टीम इंडिया की नजरें। इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज सैम बिलिंग्स ने काउंटी क्रिकेट में केंट टीम की कप्तानी छोड़ने का फैसला किया है। आपको बता दें, सैम बिलिंग्स को साल 2018 में टीम का कप्तान बनाया गया था, लेकिन इस सीजन में खराब प्रदर्शन के चलते सैम बिलिंग्स ने कप्तानी छोड़ने का फैसला किया है। टीम इंडिया के बल्लेबाज विराट कोहली ने 8 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले मुकाबले के लिए कमर कस ली है। विराट इस वक्त टीम इंडिया के साथ चेन्नई में जमकर प्रैक्टिस कर रहे हैं और महामुकाबले की वो विराट तैयारियों में लगे हुए हैं। शिखर धवन का वाइफ आयशा मुखर्जी से तलाक हो गया है। दिल्ली के पटियाला हाउस परिसर के फैमिली कोर्ट ने तलाक को मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि फैमिली कोर्ट के जज हरीश कुमार ने तलाक याचिका स्वीकार कर ली है और शिखर धवन द्वारा अपनी वाइफ पर लगाए गए सभी आरोपों को भी स्वीकार कर लिया है।